चौधरी निसार एक बार फिर मरियम नवाज के खिलाफ उन्होंने बड़ा ऐलान किया है। कह रहे हैं कि अगर मरियम नवाज कभी भी पार्टी की सरबराह बनती हैं तो वो नून लीग छोड़ देंगे। साबिक वजीर दाखला का एक और बड़ा ऐलान, अगर मरियम बीबी मुस्तकबिल में पार्टी की सरबराह बनी तो नून लीग छोड़ दूंगा। मरियम और हमजा दोनों बच्चों की तरह हैं, मगर उनकी लीडरशिप में काम नहीं कर सकता। जो पार्टी लीडर हैं वो मरियम नवाज तो नहीं है। अगर कल वो किसी स्टेज पे बनती हैं तो मैं तो उसका हिस्सा नहीं हूँगा, कि ये बच्चों की तरह हमारे बच्चों की तरह हैं। बिल्कुल सही। कल इनका मौका है, वक्त है, अगर इनका आया तो हम खामोशी से बाइज्जत तरीके से साइड पे हो जाएंगे। एक सवाल के जवाब में चौधरी निसार बोले, इमरान खान से 30 साल का ताल्लुक है, मियां साहब को बता दिया था उनके खिलाफ नहीं बोलूंगा। एक दिन मुझे अच्छी तरह याद है कि मियां नवाज शरीफ के बड़े कान भरे गए और मुझे कहा गया कि जी आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। इमरान से मेरा तलक है, सियासी तौर पर हम वो और जमात में, मैं और जमात में हूँ। सियासी तौर पर मैं पीटीआई पे तनकीद भी कर सकता हूँ, इमरान पे भी तनकीद कर सकता हूँ। सही है, मगर मैं उस पर पर्सनल तनकीद नहीं कर सकता। तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस पर्सनल तनकीद पे मुनसर, मैं उस पर नहीं करना चाहता। साबिक वज़ीर दाखला ने राजा जफरुल हक की बतौर चेयरमैन नामजदगी पर भी तनकीद की। बोले, जब नंबर्स पूरे नहीं थे तो सीनियर तरीन शख्स को नामजद क्यों किया। चौधरी निसार ने अपने बागी अरकान की हिमायत भी की, कहा अगर सेनेट में होते तो पार्टी के कहने के बावजूद डिप्टी चेयरमैन के लिए वोट नहीं डालते।